हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आज है मंडे, तो आज मम्मी को दिखा रही हूँ मेरे घर के आसपास जो भी शॉप्स हैं और जहाँ से मैं अपनी थोड़ी बहुत ग्रोसरी करती हूँ, तो वही सब मैं आज मम्मी को दिखा के लेके आऊँगी। लास्ट वीक वेदर काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत है वो एक्सप्लोर किया था, लेकिन उसके बाद से वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और मम्मी क्रॉस करेंगे इधर से, रेड लाइट से, इधर नहीं, एक सेकंड। मम्मी को प्रैम ड्रैग करनी होती है, लेकिन समटाइम हैबिट नहीं होती तो प्रैम को हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है। और तो मैं आपको बता रही थी कि लास्ट वीक वेदर उतना अच्छा नहीं था, तो आज क्या है कि सन ऑन एंड ऑफ है, तो धूप आ रही है जा रही है, लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक राउंड लगा के आते हैं और थोड़ा कुछ यहाँ का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करके आते हैं और दिखाती हूँ मम्मी को। तो अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और आप लोग बोलते हैं कि अब मम्मी के कारण आप लोगों को भी देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं एक्चुअली यूजुअली उतना कुछ पहले दिखाती नहीं थी, लेकिन मम्मी आई तो मैंने सोचा कि चलो जो भी मेरे घर के आसपास का एरिया है वो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो बस अभी चलते हैं और आपको भी मैं दिखाती हूँ फिर। ये देखो, ये आइसलैंड है, तो यहाँ से भी मैं थोड़ा बहुत ग्रोसरी करती हूँ, तो अभी आते हुए ले लेंगे सामान, है ना। ये है यहाँ का आर्केड जहाँ से मेरे मोस्ट ऑफ द काम निकलते हैं, तो अभी आपको दिखाती हूँ मेरी फेवरेट शॉप। ये है सुपर ड्रग, तो मेरा मेकअप स्टफ रहता है वो मैं यहीं से लेती हूँ और इस शॉप में बिकता है मम्मी मेरे एक एक दो दो घंटे। और ये है B&M, तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ मिलता है, तो चलो चलते हैं अंदर एक बार। आओ, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ग्रोसरी का सामान है, मतलब जो पैक फूड रहता है वो। ये देखो ऊपर, देखो कितने अच्छे सूटकेस हैं, ये वाले देखो कितने अच्छे हैं फ्लावर वाले। ये देखो, ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा पैट सेक्शन है यहाँ पे, मतलब कैट फूड है और इधर जो पैट्स के प्ले के लिए चीज़ें हैं ना वो रखी हुई हैं, बॉल्स और काफ़ी कुछ है इधर। और इधर देखो, ये सब डॉग्स की चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी सब वही पैट्स फूड रखा हुआ है। ये देखो, यहाँ के जो पैट्स हैं वो इन सब चीज़ों से मतलब प्ले करते हैं, और यहाँ पे पैट्स की जो ग्रूमिंग है उनकी चीज़ें रखी हुई हैं। देखो पैट्स की मेडिसिंस हैं, और ये सब देखो पैट्स का जो शैम्पू है वो सब रखा हुआ है, शैम्पू कंडीशनर ये सब चीज़ें। देखो पूरा होम सेक्शन है यहाँ का, कैंडल्स हैं देखो, फ्रेग्रेंस कैंडल्स। वो कैसा लगा वो पैट्स का ग्रूमिंग सेंटर? ये तो बच्चों के स्क्विशी टॉय हैं। प्रिंटेड सूट केसेस अच्छे हैं ना, सब किचन का है यहाँ पे। कटलेरी ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कॉपर है ना, सुंदर है ना। डिनर सेट, यहाँ के जो डिनर सेट होते हैं ना मम्मी, उसमें बहुत बड़े बड़े बाउल्स होते हैं, सूप जैसे बाउल्स ना, जैसे मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में, देखो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में डिनर सेट लोगे तो उसके लिए सब्जी का बाउल मिलेगा तो छोटा रहेगा, तो यहाँ पे जो है ये सूप बाउल होते हैं बड़े वाले, क्योंकि इनके यहाँ वो सब्जी वाला कंसेप्ट नहीं होता ना। हाँ, पूरे जो मग्स हैं और ये सब अच्छे, टी कोस्टर रखे हुए हैं, और ये देखो ये मार्बल का है, देखो देखो टी कोस्टर, और ये देखो प्लेसिंग मैट्स कितने सुंदर।
ये देखो, ये मैंने यहीं से लिया था ना, अपना मग रखने के लिए जो मेरी किचन में रखा हुआ है ना, ये स्टील का है, वो वैसा है दूसरा। हाँ मेरे पास स्क्वायर है ना ये घर पे, स्पार्कल वाला। ये सब पूरा बेकिंग का है। हाँ तुम तो रुक जाओ भी। ये सब एप्रेन देखो। दूध यहाँ से लेंगे मम्मी। ये वाला चलेंगे आइसलैंड, यहाँ से लेंगे पोटैटोस और पीज। वो बर्ड आई वाला उठाना मम्मी, मैं वही लेती हूँ, वही अच्छी मटर होती है। हाँ थोड़ा महंगी आती है लेकिन ये है कि बेस्ट ही है ये, यहाँ पे बहुत मीठी मटर होती है वाली, लोकल भी है यहाँ की, लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं होती, ये वाली ज़्यादा अच्छी है बर्ड आई वाली। तो अभी हमारा जो आसपास का काम था वो हो गया है और एक दो स्टोर मम्मी को दिखा दिए हैं, तो अभी मम्मी गई हैं थक और मुझे अदरक की ज़रूरत थी, तो मेरे घर के पास में ही एक छोटा सा एशियन ग्रोसरी स्टोर है, तो वहाँ पे जा रही हूँ। और मम्मी क्योंकि बहुत दिन से बोल रही हैं कि उन्हें मतलब इंडियन ग्रोसरी स्टोर देखना है, तो जो बड़ा इंडियन ग्रोसरी स्टोर है वो तो घर से काफ़ी दूर है, तो वो हम जाएंगे वीकेंड पे मम्मी को लेके। और एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है, वैसे तो मैं पहले भी दिखाया है अपने वीडियोज़ में, लेकिन जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो उन्हीं के लिए मैं आज वापस से वो जो छोटे वाला इंडियन ग्रोसरी स्टोर है वो दिखाऊंगी। और मम्मी तो ऑब्वियसली बात एक्साइटेड है ही इंडियन ग्रोसरी स्टोर देखने के लिए, तो अभी हम लोग बस वहीं के लिए ही जा रहे हैं। और वेदर थोड़ा प्लेजेंट सा हो गया है, वहाँ तो मतलब सर्दी तो खैर नहीं लग रही है लेकिन गर्मी भी ज़्यादा नहीं लग रही है। रुको मैं ट्रैक करती हूँ मम्मी, मिलती हूँ मैं, मिलती हूँ फिर आपसे इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। मम्मी यहाँ पे मसाज एंड ब्यूटी, पेट ग्रूमिंग एंड गिफ्ट्स, ये देखो पेट का सलून है, देखो यहाँ पे पेट्स की ग्रूमिंग भी होती है। ये देखो मम्मी, देखो इधर, ये देखो, ये देखो मटर, मटर, ये देखो भिंडी, हाँ कच्ची हल्दी, हाँ हमारे बाग में उगी ना हल्दी, पापा कितनी उगाई है ना कच्ची हल्दी, देखो मैं जब लेके आई थी ना हल्दी अपने दीदी बना के, कितनी उगाई थी पापा ने उस समय बाग में। ये देखो ये है हमारे यहाँ का वो मिनी एशियन स्टोर। कितनी एम्बुलेंस आएंगी आज, अनवित एम्बुलेंस, ये दो ले लेते हैं ना। ये देखो आगे भी सब वेजिटेबल्स हैं, एंड ये देखो सब पल्सेस रखी मम्मी, ये देखो। देखो मम्मी सफेद मटर, ज्वार, ये देखो बाजरा, ये देखो सब चीजें, सोयाबीन्स। अगर कुछ अर्जेंट चीज की जरूरत होती है ना तो फिर मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। ये देखो सोया फ्लोर, रागी फ्लोर, सब फ्लोर भी हैं। ये देखो नान, सब रोटी, रुमाली रोटी वगैरह सब अवेलेबल है।
मसाले मिल जाएंगे आपको, होल पिसे हुए सब है ना, सब चीज़ें है ना। चलो अब चलते हैं। आज डिनर में बनाने वाली हूँ पाव भाजी, और पाव भाजी का रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है, तो जैसे मैं प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि आज मैं पाव भाजी का जो रेसिपी है वो शेयर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज जो भाजी बना रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं खाती हैं और भाजी भी पाव वो नहीं खाएंगी, क्योंकि पाव में बाहर के पाव होते हैं तो उसमें एग्स रहते हैं, तो वो भाजी बोल रही हैं कि वो पराठे से खा लेंगी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज की भाजी की रेसिपी शेयर नहीं करती आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पर है और बार बार किसी चीज़ को फिर शेयर करके क्या फ़ायदा। तो ऑलरेडी सब प्रिपरेशन हो गई है, मम्मी ने चॉपिंग कर दी थी वेजिटेबल्स की। आजकल मुझे ये सबसे ज़्यादा आराम लग रहा है कि मम्मी वेजिटेबल्स की चॉपिंग कर देती हैं, और इधर मैंने टोमेटोज भी चॉप करके रख लिए हैं, अभी बस मैं कुक करने के लिए जा रही हूँ। मैं अब जो भी मसाले यूज़ करती हूँ इंडियन मसाले, तो उनके इंग्रेडिएंट एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार मेरे से मिस्टेक हो गई है। और जो पाव भाजी मसाला है इसमें अनियन और गार्लिक नहीं होता है, राजमा मसाला में अनियन और गार्लिक बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि एक दो कमेंट्स कभी कभी आ जाते हैं कि जो इंडियन पैक्ड मसाले होते हैं इसमें अनियन और गार्लिक होता है, तो हर मसाले में अनियन और गार्लिक नहीं होता है। और किचन किंग मसाले में मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें अनियन और गार्लिक होता है, लेकिन पाव भाजी मसाले में नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो ऐड किया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी कुकिंग में मैं पाव भाजी मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और भाजी मसाले में वैसे भी जो एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला है उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। भाजी मेरी रेडी हो गई थी, तो मम्मी को मैं ऑलरेडी डिनर करा चुकी हूँ, और उनको भाजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और मैं कैसे भाजी बनाती हूँ तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, और मैं अभी अटैच कर दूँगी आई कार्ड से, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये मेरा और सौरभ का डिनर है, तो आज होल मिल ब्रेड लेके आई थी, तो वहीं हम लोग अभी भाजी के साथ खाएंगे। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि पाव ही खाना है भाजी के साथ, तो ब्रेड भी अच्छी लगती है, और हम लोग बहुत ज़्यादा फिर चूजी भी नहीं हैं। और मार्केट की एक दो क्लिप आई डोंट नो कि कैसे फास्ट फॉरवर्ड हो गई और मिस हो गई हैं, तो सॉरी फॉर दैट, और नेक्स्ट टाइम मैं वापस जाऊंगी तो वापस आप लोगों के लिए क्लिप शूट कर लूंगी, लेकिन बहुत कोशिश किया ठीक करने का तो नहीं हुई। आई होप कि आपको मेरा जो आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। बस आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।